प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथा हेवार पार नहीं मद्यतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे सैंस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे सैंस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं धरू चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरु देव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोए, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबारे, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डारे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। जय इब कै सत गुरु मिले, सब दुख आखूं रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कड़ी हो, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बन, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मनि नारद, तीन के हृदय न सम, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार, अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, ये वो परमात्मा है जो बनारस में काशी में, भारतवर्ष के पवित्र शहर काशी में सतलोक से चलकर वहाँ विराजमान हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। लहरतारा नामक एक तालाब है, उस तालाब में विकसित कमल के फूल पर परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके वहाँ विराजमान हुए। यह लीला परमात्मा प्रत्येक युग में करते हैं।
और एक युग में एक ऐसा जीवन लीला करते हैं जो जन साधारण किया करते हैं, और जो एक साधक को आवश्यक होता है वो एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि यदि तूने परमात्मा पाना है, यहाँ की संपत्ति और अन्य आवश्यकताओं को बहुत ही मिनिमाइज करना है, बहुत ही सूक्ष्म करना है, वो एक लीला करते हैं परमात्मा। वो स्वयं ही परमेश्वर होते हैं, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, क्योंकि पवित्र चारों वेद उस परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं कि वो परमेश्वर ऐसी लीला किया ही करता है। ऐसी लीला जो परमेश्वर ने आकर के 600 वर्ष पहले 120 वर्ष पृथ्वी पर एक जनसाधारण जैसा जीवन जीते हुए की, ऐसी लीलाएं वो परमात्मा प्रत्येक युग में करता है। और वो ऐसी लीला करता तभी उसके वेद गवाही दे रहे हैं, वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं। अपने उस लीला करने वाले कर्म के अनुसार, यानी उसी शेड्यूल के आधार से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और धीरे धीरे लीला में शरीर बड़ा होता हुआ जब वो दिखा रहे हैं, लीला कर रहे होते हैं, फिर वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान को देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक बताते हैं। इस उद्देश्य से वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है और अपनी महिमा की वाणी अपने मुख कमल से, कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और दोहों शब्दावलियों के माध्यम से उच्चारण करने के कारण वे पूर्ण परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कहलाते हैं। लेकिन वो होते हैं भगवान, अन्य कवि भी हैं, उन कवियों के काव्य में और परमेश्वर के काव्य में दिन और रात का अंतर है। जैसे रहीमन जी भी एक कवि हुए हैं, और जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे, एजुकेशन ग्रहण करते थे, पढ़ते थे, उसमें हमारे को इन रहीमन जी तथा कबीर जी की ये वाणियाँ पढ़ने को मिलती थी। हम इनको कवि माना करते थे, दोनों को ही एक जैसा। अब हमारे अज्ञान का मोतियाबंद समाप्त हो गया, अब हमने परमात्मा की वाणी में, जो वो भी कवि कहलाते हैं, और अन्य कवियों की वाणी में दिन रात का अंतर महसूस होता है। जैसे रहीमन जी कहते हैं, खीरा सिर से काटके मलिए नमक लगाए, रहीमन करवे मुखन को चाहत यही सजाए। और परमात्मा कहते हैं, कबीर जी की वाणी से बहुत मार्मिक है कि आवत गाली एक है, उल्टो हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो व रह जाए एक ही एक। अब कितना अंतर है वाणी वाणी में। रहीमन जी तो कह रहे हैं कि कड़वा बोला उसने कूट दे, पिटाई कर दे उसकी, और परमात्मा कहते हैं कोई गाली देता है तो उसको जवाब मत दो, यदि तुम भी जवाब दोगे तो वो दो गालियां दे और अत्यधिक देगा। फिर परमात्मा कहते हैं, यदि तुमने उस रहीमन वाले फार्मूले को अपनाया तो क्या कहते हैं, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, उस गाली से कड़वे मुख वाले ने तो जो करना था वो कह दिया, सुन दिया, बोल दिया, अब हम भी ऐसा ही बोलेंगे तो युद्ध होगा।